शुभ प्रभात बच्चों, एसएंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। संस्कृत भाषा में शब्दों तथा धातुओं के अंत में जुड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, या वे शब्दांश जो मूल धातु के पीछे जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, प्रदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रदंत प्रत्यय, धातुओं से प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द निर्मित किए जाते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय मुख्यतः कृतवाच्य में होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत और कृत्य। तद्धित प्रत्यय, शब्दों के अंत में जुड़कर जो नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के ये नियम हैं, पहला चाहिए तथा विधि पूर्वक अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय में धातु के अंतिम स्वर को गुणादेश हो जाता है या गुण संधि हो जाती है। तव्यत प्रत्यय में धातु के अंतिम न का लोप हो जाता है और म का न हो जाता है। धातु के अंतिम च व ज का क हो जाता है। शेठ यानी सकर्मक धातुओं में धातु व प्रत्यय के मध्य इट का आगम हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे, गम धन तव्यत। अब इसका प्रत्यय करने पर म का क्या होता है, नियम के अनुसार न हो जाता है, तो म का न होने पर गमन तव्य गंतव्य। नी धन तव्यत, नी को ने होगा, क्यों, क्योंकि गुणादेश होगा, तो ने तव्य नेतव्य। पच धन तव्यत, च का क हो जाता है, तो पक दंतव्य पक्तव्य। पठ दंतव्यत, पठ और ये सेठ धातु है तो इट का आगम हो गया, पठ पठ धन इत दंतव्य पठितव्य। सेव दंतव्य, सेव धन ई दंतव्य सेवितव्य। लिख दंतव्यत, लिख धन ई दंतव्यत लिखितव्य। अगला है अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय के नियम है, चाहिए तथा योग्य अर्थ में अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होता है। सेकंड है अन्यर प्रत्यय में अन्य शेष रहता है। अन्यर प्रत्यय में धातु के अंतिम स्वर ई ऊ रि को गुणादेश हो जाता है। अन्यर प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों रूपों में इसके प्रत्यांत चलते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, गम धन अन्यर, गम धन अन्य शेष रहता है तो अन्य लिखा तो गमनीय शब्द बना। नी धन अन्यर, नी को ने बनेगा, ई को गुणादेश होगा तो ने धन अन्य, तो ने को अय बनेगा और नयनीय शब्द बनेगा। क्रुद धन अन्यर, क्रुद क्रू को ओ बनेगा, गुण आदेश होगा तो क्रोध धन अन्य क्रोधनीय। हस धन अन्यर, तो हस धन अन्य हसनीय। गम धन अन्यर, गम धन अन्य गमनीय। पट धन अन्यर, पट धन अन्य पठनीय। ये शब्द बने। अगला है कृत्वा प्रत्यय। पूर्वकालीन क्रियाओं को बतलाने के लिए कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कृत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। कृत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। धातु के अंतिम म व न का लोप हो जाता है। सेठ धातु में इट का आगम होता है। चुरादिगण की धातुओं में अय का आगम होता है। ये कृत्वा प्रत्यय के नियम है। अब उदाहरण देखेंगे, गम धन कृत्वा, तो म और न का लोप हो जाता है
तो म का लोप हो गया तो ग शेष बचा, और कृत्वा में त्वा शेष बचता है तो गत्वा शब्द बना। हस दन त्वा, हस दन ये सेठ धातु है तो इट का आगम हुआ। हस दन ई दन त्वा, हसित त्वा। चुर दन त्वा तो चोर शब्द हुआ, और चुरादिगण है तो अय का आगम हुआ। धन इट धन त्वा, चोरी त्वा। हन धन त्वा, हन में न है तो न का लोप हो जाएगा तो ह शेष बचेगा, और पीछे त्वा है तो हत्वा शब्द बना। पट धन त्वा, हट पट धन ई धन त्वा, पठित्वा। बुज धन त्वा, बुद्धवा शब्द बना। अब आपको होमवर्क करना है, प्रत्यय हेडिंग लगानी है, इसकी परिभाषा लिखनी है, इसके ये तीनों प्रकार लिखने हैं, प्रकारों की परिभाषा लिखनी है, फिर तव्यत प्रत्यय यहाँ से यहाँ तक लिखना है, अन्यत प्रत्यय के भी यहाँ से यहाँ तक, और कृत्वा प्रत्यय करना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। धन्यवाद।